सुमंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं जब लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ लेशन नहीं है हमारा, एक ही मात्रा के वाक्य हैं जो पेज नंबर 45 पे है। पेज नंबर 45, नाम है रेवती। हमने इसके पहले जो एक ही मात्रा के शब्द पढ़े थे, उसी से हम अब क्या करेंगे, हम वाक्य बनाएंगे, ठीक है? वाक्य यानी सेंटेंस, ठीक है? तो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी रेवती। रेवती यानी एक गर्ल का नाम है, उसके बारे में ये लेसन है। स्पेशली इसमें ये बताया गया है कि एक ही मात्रा से हम कैसे वाक्य बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो मैं आज पढ़ाऊंगी आप लोगों को रेवती, ठीक है? रेवती, र में एक ही मात्रा व त में बड़ी की मात्रा, रेवती। ओके, रेवती अपने नाना जी के पास गई। नाना जी ऐनक पहनते थे। नाना जी क्या पहनते थे? ऐनक पहनते थे। वे हर दिन एक तारा बजाते थे। मैं यहाँ लिख के पढ़ा देती हूँ। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। रेवती कहाँ गई थी? अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे। वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। कौन? नाना जी। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। चूहा भाग रहा था कहाँ पे? मेज पे, ठीक है? रेवती की पालतू बिल्ली पालतू यानी पेट बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। मेज पर क्या लगाई? छलांग लगाई।
एक तारा नीचे गिर गया। नीचे गिर गया बिल्ली डरकर, बिल्ली डरकर भाग गई। बिल्ली डर कर भाग गए। ठीक है, ये हमारा लेसन है। रेवती, हमारे लेसन का नाम है रेवती। ठीक है, और रेवती यानी यहाँ पे भी देखिए एक ही मात्रा दिया हुआ है, रमे की मात्रा व तमे बड़ी की मात्रा रेवती। ठीक है, रेवती रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। रेवती नाम की एक लड़की कहाँ गई थी, अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे, नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। कौन भाग रहा था? चूहा। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। ठीक है, रेवती यानी हमारी रेवती एक गर्ल का नाम है। और ये लेसन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि हम एक ही मात्रा से वाक्य बनाना सीख रहे हैं, एक ही मात्रा से वाक्य बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, प्रोनाउंस करके पढ़ेंगे इसको। रमे की मात्रा व, रमे की मात्रा व तमे बड़ी की मात्रा रेवती, अप नमे की मात्रा अपने, नमे आ की मात्रा नमे आ की मात्रा नाना, जमे बड़ी की मात्रा जी, नाना जी यानी जो मदर होती है, मदर के जो फादर होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? नाना जी बोलते हैं, मदर के फादर को नाना जी बोलते हैं। ठीक है, तो रेवती अपने नाना जी के, कमे की मात्रा के, पमे आ की मात्रा पास, पास, ग बड़ी ई गई, थमे बड़ी थी। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी, ना ना जमे बड़ी की मात्रा जी, एमे ऐ की मात्रा या ऐनक ऐ, नक ऐनक, ऐनक यानी चश्मा, प ह नम तमे एक ही मात्रा पहनते, ऐनक पहनते थे। नाना जी ऐनक पहनते थे, ऐनक यानी स्पेक्टिकल्स, इंग्लिश में हम उसको स्पेक्टिकल्स बोलते हैं एंड हिंदी में हम ऐनक बोलते हैं, चश्मा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐनक पहनते थे वे। वमे की मात्रा ह र हर, दमे छोटी की मात्रा न दिन, ई क तमया की मात्रा रम्या की मात्रा एक तारा, ब जम्या की मात्रा तमे की मात्रा बजाते, थमे की मात्रा थे। एक तारा यानी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये है मेज, ये है चूहा यानी रैट कैट, एंड ये टेबल है, और ये एक तारा है। ओके, एक तारा, इसे हम क्या बोलते हैं? एक तारा बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेबल है।
वमे की मात्रा वे हर हर दिन, हर दिन यानी एवरीडे हर दिन। इक तमे आ की मात्रा, रमे आ की मात्रा तारा, इक तारा। ब जमे आ की मात्रा, तमे की मात्रा बजाते, थमे की मात्रा थे। वे हर दिन इक तारा बजाते थे, वे हर दिन इक तारा बजाते थे। रमे आ की मात्रा त रात, ममे की मात्रा ऊपर की मात्रा में, व वमे की मात्रा वे रात में। मेज ममे की मात्रा ज मेज, पर पर मेज पर। इक तमे आ की मात्रा, रमे आ की मात्रा इक तारा। रख तमे की मात्रा रखते, थ थमे की मात्रा थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे, रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक एक द द में छोटे की मात्रा दी न दिन, ममे की मात्रा ज मेज। एक दिन मेज पर पर। एक एक च में बड़ाओ की मात्रा, हमे आ की मात्रा चूहा, भमे आ की मात्रा ग भाग, र हमे आ की मात्रा रहा, थमे आ की मात्रा था। एक दिन मेज पर एक चूहा, चूहा यानी रैट, चूहा भाग रहा था। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू, प में आ की मात्रा ल, त में बड़ाओ की मात्रा पालतू, पालतू यानी पेट। बिल्ली ने, ब में छोटी की मात्रा आधा, ल ल में बड़ी की मात्रा बिल्ली, नमे की मात्रा ने, च में बड़ाओ की मात्रा, हमे आ की मात्रा चूहा, प क ल न में ए की मात्रा पकड़ने, क में ए की मात्रा के, ल में छोटी की मात्रा ए लिए, ममे की मात्रा में ज मेज। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई, छलांग यानी जंप करना। ओके, छ ल में आ की मात्रा ऊपर छेद बिंदु ग छलांग, ल ग में आ की मात्रा बड़ी ई लगाई, छलांग लगाई। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा, एक तम्या की मात्रा, रम्या की मात्रा एक तारा, न में छोटी की मात्रा, चमे की मात्रा नीचे, ग में छोटी की मात्रा र गिर, ग या। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई, ब में छोटाओ की मात्रा आधा, ल में बड़ी की मात्रा बिल्ली, डर डर, कर कर डर कर, भ में आ की मात्रा ग भाग, ग बड़ी ई गई। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई, एक तारा नीचे गिर गया बिल्ली डरकर भाग गई। ओके, रेवती अपने नाना जी के पास गई थी, नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे, रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे, एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई, एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। ठीक है, एक लड़की कहाँ गई थी, नाना जी के घर गई थी। एक लड़की अपने नाना जी के घर गई थी, वहाँ पे क्या हुआ,
वहाँ पे उसके नाना जी ऐनक पहनते थे। क्या पहनते थे? ऐनक पहनते थे, और वो एक तारा बजाते थे। एक तारा यानी सितार। एक तारा उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक ही वायर होता है, एक ही तार होता है, ठीक है, इसलिए एक तारा कहते हैं। तो वे हर दिन क्या करते थे? एक तारा बजाते थे, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। रात में वे मेज पर क्या करते थे? अपने एक तारा को रख देते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। चूहा क्या रहता है? घरों में घूमते रहते हैं ऐसे। तो वो मेज पे क्या हो रहा था? घूम रहा था, भाग रहा था। तब तक बिल्ली देखी। बिल्ली ने चूहे को पकड़ने के लिए जंप किया, यानी छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया, जो मेज पे उसके नाना जी रहते थे, वो एक तारा नीचे गिर गया, और बिल्ली क्या हुई? डरकर भाग गई। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि ये है हमारे एक ही मात्रा के वाक्य। हमने मात्रा सीखा शब्द, और अब हम वाक्य सीख रहे हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ एक ही मात्रा आई हुई है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, रेवती में यहाँ पे एक ही मात्रा आया हुआ है, अपने में एक ही मात्रा, न में एक ही मात्रा आया हुआ है, यहाँ पे क में एक ही मात्रा, एंड यहाँ पे एक ही मात्रा है, ए है, ए पे एक ही मात्रा हुआ, तो क्या हो जाता है? ऐनक हो जाता है। हम इसको ए नहीं पढ़ेंगे, हम उसको ऐ पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ त है, त में एक ही मात्रा, थ पे एक ही मात्रा है, व पे एक ही मात्रा, या फिर त पे एक ही मात्रा, थ पे एक ही मात्रा, ठीक है। म पे भी है, वे पे भी है। या मेज म पे है, रखते थे, दोनों एक ही मात्रा से है। एंड फिर यहाँ मेज आया हुआ है, रेवती, नी, पकड़ने, पकड़ने में न पे एक ही मात्रा, क पे एक ही मात्रा आया हुआ है, म पे एक ही मात्रा, ओके, एंड यहाँ पे च पे एक ही मात्रा है। तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? एक ही मात्रा के शब्द के बाद वाक्य सीख रहे हैं, हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं एक ही मात्रा से, ठीक है। तो हम एक बार वापस से पढ़ेंगे, ओके। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी, रेवती अपने नाना जी के पास गई थी, नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे, रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे, एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था, रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई, एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई, ओके। तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, एंड हम एक बार बुक से भी पढ़ेंगे। क्या है? रेवती, ओके, रेवती रमे की मात्रा, वह तमें बड़ी की मात्रा, ठीक है। रेवती यानी हमको इधर है, क्या इधर है? ए की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा ए की मात्रा, ओके। तो हम अब इसे पढ़ेंगे, ए की मात्रा के वाक्य पढ़ेंगे हम। यहाँ पे है एक तारा यानी सितार, जिसमें देखिए एक तारा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक ही तार लगा हुआ है इसमें, यह है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी, नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन, जो एक ही मात्रा है उस पे क्या है? रेड से दिया हुआ है, ओके, रेड से दिया हुआ है, वो सारे एक ही मात्रा हैं। वे हर दिन एक तारा बजाते थे, रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे, एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था, रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई, एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। तो ये हमारा रहा रेवती, एंड हम थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे। तो एक ही मात्रा के शब्द,
अभी देखते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पेज नंबर 43 एंड देखिए ए की मात्रा, यहाँ पे ए है और ये है ए की मात्रा। ओके, अगर इस पे हम ऐसे एक मात्रा लगा देंगे तो हम पढ़ेंगे ए, जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अभी ए की मात्रा हम सीख रहे हैं। क ख स प त ह के खे से पे ते हे, यानी ये लेटर है और इस पे ए की मात्रा के मात्रा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो समझो और पढ़ो। से ब क्या हुआ, सेब। पे र पेड़, यानी ये जो रेड मार्क रेड से लिखा हुआ है ये की मात्रा दिया हुआ है। पेड़ पेड़। तेल तेल। केले केले। स पे रम्या की मात्रा रा सपेरा। क रमे की मात्रा लम्या की मात्रा करेला। यहाँ है पढ़ो और बोलो। खमे की मात्रा खे ल खेल। ममे की मात्रा मे ल मेल। तमे की मात्रा ते ल तेल। पमे की मात्रा पे ट पेट। समे की मात्रा से ब सेब। खमे की मात्रा खे त खेत। रमे की मात्रा त रेत। बमे की मात्रा बे र बेर। ढमे की मात्रा ढे र ढेर। तमे की मात्रा तेज तेज। ममे की मात्रा रम्या की मात्रा मेरा। रमे की मात्रा खम्या की मात्रा रेखा। चमे की मात्रा लम्या की मात्रा चेला। ममे की मात्रा लम्या की मात्रा मेला। ठमे की मात्रा लम्या की मात्रा ठेला। स हमे की मात्रा लमे बड़ी की मात्रा सहेली। ह थमे की मात्रा लमे बड़ी की मात्रा हथेली। ज लमे की मात्रा बमे बड़ी की मात्रा जलेबी। स वमे की मात्रा रम्या की मात्रा सवेरा। बमे की मात्रा स न बेसन। लिख कर सीखो। शमे की मात्रा र शेर। ममे की मात्रा वम्या की मात्रा मेवा। नमे की मात्रा व लम्या की मात्रा नेवला। रमे की मात्रा शम रेशम। यह चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देखकर नाम लिखो। पहला है हथेली, शेर, ठठेरा, हथेली, शेर, ठठेरा, तेल, रेल, जलेबी। ओके, नेक्स्ट है अपने मित्रों के साथ रेलगाड़ी बनाओ और गाते जाओ। छुक 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 छुक। रेल चली ये रेल चली। पटरी पर ये रेल चली। खेत खेत में निकली रेल। सबने खेला रेल का खेल। छुक 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 छुक। ओके, नेक्स्ट है पेज नंबर 42 का देखेंगे। पहला है सितार। समय छोटी की मात्रा तम्या की मात्रा सितार। हमें छोटी की मात्रा र न हिरन। ग म लम्या की मात्रा गमला। क ब में छोटाओ की मात्रा क में बड़ाओ की मात्रा त र कबूतर। ब क र में बड़ी की मात्रा बकरी। ना र में छोटी की मात्रा य ल नारियल। क छ में छोटाओ की मात्रा म्या की मात्रा कछुआ। कृषक कृषक। नृप नृप। चूहा चूहा।
रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। अब यहाँ देखेंगे पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे है री की मात्रा। री की मात्रा देखिए म मृ ग मृग वृक्ष वृक्ष गृह गृह कृषक कृषक नृप घृत कृपा दृढ़ कृष्ण मात्र पितृ कृषि ऋण घृणा हृदय अमृत सृजन कृषक कृतज्ञ मृग ऋतु मात्र कृपालु। थोड़ा सा वर्णमाला का हम रिविजन करेंगे। ओके तो अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अम अह क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड ड ढ त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्र। ये हमारा है स्वर और व्यंजन। एक बार और पढ़ लेते हैं। रेवती अपने नाना जी के पास गई थी। नाना जी ऐनक पहनते थे, वे हर दिन एक तारा बजाते थे। रात में वे मेज पर एक तारा रखते थे। एक दिन मेज पर एक चूहा भाग रहा था। रेवती की पालतू बिल्ली ने चूहा पकड़ने के लिए मेज पर छलांग लगाई। एक तारा नीचे गिर गया, बिल्ली डरकर भाग गई। हम आज पढ़े पेज नंबर 40-45 एंड टुडे से हम रिवीजन भी किए। तो इसमें पेज नंबर 45 पे है रेवती, जो कि एक ही मात्रा से वाक्य बनाना हम सीखे हैं। यानी इसमें जो भी वाक्य है वो एक ही मात्रा से है। इसके पहले हम एक ही मात्रा के शब्द सीख चुके थे और शब्द सीखने के बाद हम क्या किए, आज वाक्य बनाना सीखे। तो आज का वर्क है रेवती पढ़ना है और अच्छे से प्रैक्टिस करना है। आप लोग के पास अगर हैंड राइटिंग बुक है तो आप डेली 2 पेजेस उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। एंड इसको अच्छे से लिखना है और पढ़ने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू।